और कुछ लोग तो बहुत पहले से आ गए हैं यार, देख सकते हो मेरे हिसाब से ये लोग ना दूर से आए हुए हैं, बैग्स वगैरह देख सकते हो आप इनके, तो बैग्स वगैरह लेके पूरा बोरिया बिस्तर लेके आए हुए हैं भैया, है ना। मैं पूछती हूँ इनसे कि कहाँ से आए हैं ये लोग। आंटी कहाँ से आए हो आप लोग, कहाँ से आए हो? हम लोग दुर्ग से। यही रहोगे? यही रुकोगे? और खाने पीने के लिए कैसे करोगे? खाने पीने के लिए वो मालिक देगा, बाबा जो बुलाया है वो घर से। अच्छा ठीक है, तो आप पूरा 1 मई तक के यहीं रहेंगे? ठीक है, तो देख सकते हैं वाले कहाँ से आए। हम आष्टा से, सीहोर के पास। आष्टा से, सीहोर के पास से आए। मुझे लगता है कि पंडाल बहुत ज़्यादा छोटा पड़ने वाला है, बहुत ही ज़्यादा छोटा पड़ने वाला है पंडाल जो है। इतने समय ही इतना ज़्यादा भर चुका हो। भोपाल से आए हो? गाइज वेलकम टू माई चैनल अर्चू ब्लॉसम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं आई हूँ भिलाई के सिविक सेंटर जयंती स्टेडियम वाले ग्राउंड में। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि 25 तारीख से 1 तारीख तक के प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं, तो उन्हीं के लिए ये पूरी तैयारी देख सकते हो मेरे पीछे बैकग्राउंड में कि बहुत ही अच्छे से तैयारी यहाँ पर हो रही है। और आज है 23 तारीख और 25 तारीख यानी कि परसों ही प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं और सेक्टर 5 गणेश मंदिर से जो है कलश यात्रा निकलने वाली है। तो अभी हम कलश यात्रा आप लोगों को दिखाएंगे, तब तक के मैं थोड़ा सा डेकोरेशन दिखा देती हूँ कि किस टाइप की तैयारी हो रखी है और कितना बड़ा ग्राउंड है, कितने सारे लोग आने वाले हैं। करीब करीब 2000 लोग जो कार्यकर्ता है वो भी शामिल होंगे छोटे मोटे काम के लिए, पानी ये वो के लिए। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इसके बाद हम जाएंगे कलश यात्रा। तो ये देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा सा ऐसा पंडाल ये बना हुआ है। मेन पंडाल तो ये है, ये वाला मुझे भी नहीं पता है, अभी लोगों से मिलने के बाद पता चलेगा धीरे धीरे। तो तैयारियाँ जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगी हुई है, चल रही है। ये देख सकते हो आप लोग, बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर शाम हो चुका है अभी और तैयारी जो है चल ही रहा है। पंडाल देख सकते हो काफ़ी बड़ा सा पंडाल बना हुआ है, डेकोरेशन भी हो चुका है और बहुत सारे लोग जो हैं देख सकते हो। ये वाला जो रेड और येलो वाला जो पंडाल है वो मेन पंडाल रहेगा और भीड़ इतनी ज़्यादा रहने वाली है, तो अगल बगल में जो ऐसे छोटे वाले देख सकते हैं ना आप लोग, वो भी पंडाल रहेगा। और उसी के साथ साथ जो है LED स्क्रीन भी लगने वाली है, ताकि जो दूर पे बैठे हुए हैं जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो उनके लिए स्पेशल LED स्क्रीन लगाया जाएगा ताकि वो पास में दूर बैठ के पास का जो है देख सकें, है ना। तो भीड़ देख सकते हो और तैयारियाँ देख सकते हो आप लोग, हर हर महादेव। और ये झूमर वगैरह लगा हुआ है, तो काफ़ी सुंदर सा पंडाल जो है बन चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं निकलती हूँ कलश यात्रा वाले एरिया में, बट थोड़ा सा पास जाके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। वो देख सकते हो स्टेज ना यार, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सजावट किया गया है और चल ही रहा है। और बहुत सारे लोग को बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हैं वो पहले इतने ज़्यादा फेमस है कथावाचक हमारे शिव जी के, है ना, तो शिव पुराण के, है ना, इतने ज़्यादा फेमस है। और वो भिलाई पहली बार आ रहे हैं, मतलब कि पहले रायपुर में हुआ था तो मैं तो जा नहीं पाई थी और काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ गया था मुझे तो। और अभी जो है वो भिलाई आने वाले, तो भिलाई की सारी जनता जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साह में है, इसीलिए भीड़ देख सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से जो है तैयारियाँ चल रही है अभी। कुछ लोग तो बहुत पहले से आ गए हैं यार, देख सकते हो मेरे हिसाब से ये लोग ना दूर से आए हुए हैं, बैग्स वगैरह देख सकते हो आप इनके, तो बैग्स वगैरह लेके पूरा बोरिया बिस्तर लेके आए हुए हैं भैया, है ना। मैं पूछती हूँ इनसे कि कहाँ से आए हैं ये लोग। आंटी कहाँ से आए हो आप लोग, कहाँ से आए हो? हम लोग दुर्ग से। यही रहोगे? यही रुकोगे? और खाने पीने के लिए कैसे करोगे? खाने पीने के लिए वो मालिक देगा, बाबा जो बुलाया है वो घर से। अच्छा ठीक है, तो आप पूरा 1 मई तक के यहीं रहेंगे? ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग बोरसी हैं, मतलब कि पास से ही आए हैं आंटी लोग, लेकिन अपना जगह एकदम से सेट करके बैठ गए हैं, है ना, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये बहुत लोग हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, ये देख सकते हो पूरा बैग वैग लेके, और बाबा जी के काफ़ी ज़्यादा भक्त हैं ये सब, है ना। भोपाल से आए हो? तो भोपाल के पास ही तो रहते हैं ना वो प्रदीप मिश्रा जी जो, बट आप यहाँ आए हो सुनने के लिए? आप सीहोर भी गए थे? सीहोर भी गए थे, जाते रहते हैं वहाँ पर दर्शन। हाँ, इतना श्रद्धा क्यों है आपको इनके ऊपर? भगवान ने बना दी इतनी श्रद्धा, इसलिए है। अच्छा, पूरा 1 तारीख तक के रुकने वाले हो आप? पूरा 1 तारीख तक?
अभी हम जाने वाले हैं सामने वाला जो स्टेज है ना, वो दिखाने वाली हूँ, जहाँ पर एक्चुअली जो है प्रदीप मिश्रा जी जो है वो बैठने वाले हैं। ठीक है, तो ये है स्टेज जो कि परमानेंट वाला स्टेज है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से है जो है डेकोरेट किया जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ऊँचा है, मैं पूरे वाइड एंगल में ली हूँ, है ना। ये शायद कैमरामैन्स के लिए रहेगा, और ये देख सकते हो पूरा जो है ना आपका थर्माकोल से डेकोरेट किया गया है, ये देख सकते हो। आई थिंक इसमें कलर किया जाएगा या क्या, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। और ऊपर शायद नहीं जा सकते हैं, तो मैं यहीं से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस टाइप का सजावट किया जा रहा है। सर आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए आप? टेंट वाले हैं। टेंट वाले कहाँ से आए हैं? हम आष्टा से, सीहोर के पास। आष्टा से, सीहोर के पास से आए हैं। तो मतलब कि जो मिश्रा जी जो हैं उन्हीं के घर के पास से ही आए हैं सर लोग। और ये डेकोरेशन कब तक के हो जाएगा सर? कल तक कंप्लीट हो जाएगा। कल तक के हो जाएगा। और ये थर्माकोल में कलर वगैरह करेंगे कि ऐसी रहेगा? ये कलर करेंगे, सबका काम बटा हुआ है। अच्छा अच्छा, स्टेज का काम करने वाले वो लोग हैं। अच्छा अच्छा, वो भी कर देंगे कल शाम तक। आपका काम कौन सा है? ऊपर मंडप। अच्छा, तो सर का जो है काम वो मंडप का है, और ये वाला काम स्टेज का काम जो है वो सब पूरा डिवाइड कर दिया गया है बता रहे हैं। ये कैमरामैन वाला है क्या? कैमरामैन वाला है, जैसे कि आप जानते हैं टेलीकास्ट किया जाता है हर जो भी आता है उनके वीडियोस को। तो काफ़ी ऊंचा टाइप का यहाँ पर बनाया गया है ये वाला जो स्टेज है उसको, है ना। और ऊपर में देख सकते हो यार, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो आप लोग।
चुका है पंडाल में, है ना। भीड़ देख सकते हो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आई थी तो किस टाइप का भीड़ था, और कलश के आने के बाद किस टाइप का भीड़ यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम कुछ कुछ लोगों से बात करेंगे, यदि कोई दूर से आया है, जैसे भी आया है, कलश कहाँ रखा जा रहा है ये देखेंगे हम, है ना। भीड़ देख सकते हो यार, भीड़ तो मैं सच में कलश जो लेके आ रहे थे ना उनको देखी तो इतनी ज़्यादा गंदी भीड़ थी ना, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो आप लोग, पंडाल तो कलश जो लेके आया हूँ उनसे ही भर चुका है, इतनी ज़्यादा भीड़। ओ माय गॉड, 25 तारीख को क्या होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। आज इतना कुछ भीड़ देखने को मिल रहा है तो आई डोंट नो, आई कांट इमेजिन कि 25 तारीख को क्या क्या देखने को मिलेगा। और खतरनाक भीड़ यार, पंडाल बहुत ज़्यादा छोटा पड़ने वाला है, बहुत ही ज़्यादा छोटा पड़ने वाला है पंडाल जो है। इतने समय ही इतना ज़्यादा भर चुका है पंडाल जो है, तो जो लोग नहीं आए हैं वो फिर कहाँ बैठेंगे, ये आप सोचो यार, इतना ज़्यादा भीड़। इट वॉज लिटरली, मेरे को लगा था कि भीड़ तो होने ही वाला है, बट इतना भीड़ होने वाला ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। सीरियसली यार,